चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मेघालय में पीएम मोदी की रैली के लिए नहीं मिली इजाजत, बीजेपी ने कहा डर गए मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर सदा भयंकर निशाना, कहा ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं पर रेड मारना बीजेपी की कायरता। लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र में कोई बदलाव नहीं, याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा ये संसद का अधिकार। ट्विटर की तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ब्लू टिक के लिए देने होंगे पैसे, सब्सक्रिप्शन सर्विस हुई लॉन्च। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को मिलेगी शॉपिंग करने की सुविधा, मेट्रो में बैठे बैठे खरीदे कोई भी सामान, अगले स्टेशन तक सामान होगा आपके पास। पाकिस्तान को कंगाली में याद आने लगा भारत, दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की सलाह दे रहे पाक एक्सपर्ट। मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ नौकरी और सुरक्षा हम देंगे, श्री राम सेना चीफ प्रमोद मुथाली का विवादित बयान। भारतीयों ने दिसंबर में विदेश यात्राओं पर खर्च किए $1.137 अरब, आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। कांग्रेस अकेले भाजपा सरकार से नहीं लड़ सकती, केसी वेणुगोपाल ने 2024 में विपक्षी एकता की जरूरत पर दिया जोर। चार टुकड़ों में टूट जाएगा पाकिस्तान, नए खाने का है सामान और नहीं कोई दे रहा कर्ज। अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेगी ओला उबर और रेपिडो की बाइक, टैक्सी परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी। जुनेद और नासिर को जिंदा जला दिया तो मैं कौन हूँ, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर केंद्र पर बोला हमला। सावधान, भारत के 9 राज्यों पर जलवायु परिवर्तन के चलते मंडरा रहा भीषण आपदा का खतरा, सामने आई बेहद ही डराने वाली रिपोर्ट। कर्नाटक में जेपी नड्डा बोले अमेरिका में केवल 67% टीकाकरण हुआ है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में 220 करोड़ कोविड टीके की डोज लगाई जा चुकी है। यूपी बिहार के लिए चलाई जाएगी 16 होली स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी की लिस्ट। झारखंड की राजधानी रांची में 2 मार्च को होगी G20 की बैठक, 60 डेलीगेट लेंगे हिस्सा, कुछ समय के लिए रोकी जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने आधी कर दी गौतम अडानी की संपत्ति, अमीरों की लिस्ट में 25वें स्थान पर फिसले भारतीय धन कुबेर। देश में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही, VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा सरकार लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा आने वाले सालों में पूर्वोत्तर के ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। सिर्फ LOC पर होगी भारतीय सेना की मौजूदगी, घाटी में कम की जा सकती है जवानों की संख्या। यूपी में बजट सत्र के दौरान विपक्षी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही हुई स्थगित, आज फिर से होगी शुरू। अरविंद केजरीवाल का मिशन छत्तीसगढ़, 5 मार्च को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के फैसले के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकले हुई तेज, सीएम शिंदे को भाजपा से हरी झंडी मिलने का इंतजार। यूक्रेन युद्ध की बरसी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचे क्यू, $500 मिलियन के नए पैकेज का किया ऐलान, कहा पुतिन को गलत साबित करके रहेंगे। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश के सभी अहाते और बार सोप होंगे बंद, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की भी खैर नहीं। पिछले 8 साल में ईडी ने मारे 3000 से ज्यादा छापे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश बोले निशाने पर सिर्फ विपक्ष। गृह मंत्री अमित शाह को मिली जान से मारने की धमकी, खालिस्तानी अमृतपाल ने कहा जो पूर्व पीएम इंदिरा के साथ हुआ उसे दोहराया जा सकता है। पीएम मोदी के आशीर्वाद से हो रही नए जीवन की शुरुआत, पैर छूकर भावुक हुए ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल। भारत में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का हुआ आयोजन, लद्दाख में 13,862 फीट की ऊंचाई पर पानी पर दौड़े एथलीट। भिवानी में 2 मुस्लिमों को जिंदा जलाने के मामले ने पकड़ा तूल, बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ बोले निर्दयी हिंदू संगठनों को निशाना न बनाए सरकार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश होने के लिए CBI ने दी नई तारीख, दिल्ली आबकारी नीति मामले में 26 फरवरी को होगी पूछताछ। लाल किले पर हमला करने वाले आतंकी आरिफ उर्फ अशरफ को होगी फांसी, तिहाड़ जेल ने कोर्ट से मांगा डेथ वारंट। उत्तराखंड के जोशीमठ में फिर बढ़ा खतरा, 4 धाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ हाईवे पर दिखी दरारें। राजस्थान में खाटू श्याम जी मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी, 4,000 पुलिस के जवान रहेंगे ड्यूटी पर तैनात।
जेएनयू में माहौल खराब करने की कोशिश, कचरे में फेंकी शिवाजी की तस्वीर, लेफ्ट और एबीवीपी ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। कोलकाता में एडिनो वायरस का लगातार बढ़ता जा रहा आतंक, दो बच्चों की फिर हुई मौत। अमेरिका के आसमान में फिर दिखा संदिग्ध गुब्बारा, 50,000 फीट ऊपर उड़ता दिखा व्हाइट बेलून। महाराष्ट्र में शिवसेना भवन पर दावा, नहीं ठोकेगा शिंदे गुट, उद्धव बोले ठाकरे नाम हमसे कोई छीन नहीं सकता।